प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन कौन से हैं और कैसे इनका यूज करते हैं हम सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन वर्ड है इन। इन का यूज हम कहां पर करते हैं, जैसे कि द एप्पल्स आर इन द बकेट, जो सेब है वो बास्केट में है। ऑन द कैट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है कैट। एप्पल्स आर इन द बकेट, ऑन द टेबल। अंडर नीचे, द डॉग इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अंडर का यूज कहां करेंगे, जब कोई चीज नीचे होगी। ऑन का यूज कहां करेंगे, जब ऊपर शो करना है। बिहाइंड मींस पीछे, द डॉग इज बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री, ये डॉग है बिहाइंड द ट्री, तो डॉग कहां है, ट्री के पीछे। जब पीछे होगा या पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कोई चीज पीछे है, तो किस वर्ड का यूज करेंगे आप, बिहाइंड का यूज करेंगे। एबव मींस ऊपर, द बॉल इज एबव योर हेड, आपके सर के ऊपर है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मींस सामने, सामने है। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है। बिटवीन, बिटवीन मींस बीच में, जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होगी तो क्या लिखेंगे, जैसे कि नाउ कमांड वर्ड बिटवीन। बिटवीन वर्ड का यूज हम कहां करते हैं, जब कोई चीज शो करनी है हमें दो चीजों के बीच में, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि द टेडी बियर या बॉल इज समथिंग एल्स इज बिटवीन द बॉक्सेस, बिटवीन द बॉक्सेस। कोई भी चीज, जैसे कि द टेबल इज बिटवीन द सोफा, सोफे के बीच में टेबल होती है ना सबके घर में, तो बिटवीन का यूज हम वहां करते हैं जहां, बिटवीन का यूज हम करते हैं जहां हमें कोई चीज बीच में शो करनी है। तो चिल्ड्रन, ये आपके प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में दिए, इनका यूज हमें सेंटेंसेस में करना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। एंड इफ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। नाउ आई थैंक यू, बाय बाय।